वेलकम बैक टू द चैनल ए डी गेमर टीवी। और आज का मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और सेंट किट्स के बीच में, जो कि है सीपीएल की लास्ट ईयर की चैम्पियन। ये है नया कटआउट, सेंट किट्स न्यूवल पेट्रियंस। बहुत डिफ़िकल्ट नाम है। टीम कॉम्बिनेशन सेम हम खेल रहे हैं, चेन्नई की तरफ से वी आर प्लेइंग। हेड्स कॉल किया है ड्वेन ब्रावो ने, जो कि खेल रहे हैं सेंट किट्स की तरफ से। एंड सेंट किट्स अ बैटिंग फर्स्ट। दीपक चहर फर्स्ट बॉल पे जो पीछे की तरफ मारा है, एंड इट शुड बी ए सिंगल, सो दे आर ऑफ द मार्क। जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उन्हें बता दूं, चैंपियंस लीग T10 जो है इंडियन प्रीमियर लीग की दो टीमें हैं, और बाकी बाकी जितने भी प्रीमियर लीग्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और ये कैच ड्रॉप कर दिया है, जितनी भी लीग्स होते हैं उनकी विजेता टीमों के बीच में हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ सिक्स, सेवन टीम्स आर प्लेइंग बेसिकली। और ये कवर्स के ऊपर से बाउंड्री, एंड दिस मैच जो आज का है हम खेल रहे हैं ब्रायन लारा या डैरन सैमी क्रिकेट स्टेडियम पे। सैम करन आया भाई, लास्ट मैच में हैट्रिक लिया था इन्होंने। और ये आते ही विकेट, इन स्विंगिंग बॉल थी, ये आते ही विकेट ले लिया है भाई। ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ पर सैम करन। ये पिचिंग इन लाइन, आई फील काइंड ऑफ हिटिंग द लेग स्टंप्स। जोशुआ डिसिल्वा आया है, वेरी फियर वियर्ड नेम। ओह व्हाट अ बॉल बाय सैम करन भाई। सैम करन इज ऑन फायर, एंड सो इज द यूनिवर्स बॉस। नीचे खाली टच कर दिया है, एंड इट्स अ बाउंड्री। पीछों की तरफ मार दिया, लेग साइड पे फ्लिक, और ये लॉन्ग लेग के पीछे से बाउंड्री आ गई है। 20 रन हो गए धोनी फील्ड लगाते हुए। दूसरी ओवर की लास्ट बॉल ये चल रही है, और ये स्ट्रेट ड्राइव, एक और चार। सो सैम करन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई, और उसके बाद तीन बॉलों पे तीन बाउंड्रियाँ पड़ गई हैं। दीपक चहर कंटिन्यू कर रहे हैं, जोशवा ने कवर्स के ऊपर से मारा है, एक बाउंस पे बाउंड्री आ जाएगी यहाँ पर। नया पैच आया है उसके बाद हम ये मैच खेल रहे हैं, सो वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। एंड आउटसाइड एज गैप पे 4 रन आ जाएंगे यहाँ पर आसानी से। कंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, रन्स आर फ्लोइंग। और ये पीछों की तरफ मार दिया है भाई, एक और बाउंड्री आ जाएगी। 120 से 130 के बीच में आई फील इट इज़ गोइंग टू बी इजी टू चेस, तो मैं उससे ज़्यादा मारने दे नहीं सकता। और ये विकेट हो गई, सैम करन को सेकंड विकेट मिल गई भाई यहाँ पर। नया बैट्समैन रदरफोर्ड बैटिंग करने के लिए आया है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो मोइन अली को बुलाया है। और ये एक ही बहुत ज़्यादा यूनिक शॉट, 6 रन बैकफुट से 6 रन मारा है मोइन अली को यहाँ पर, 49 for 2। और ये पिछू की तरफ कट कर दिया है, 53 रन हो गए। अब रदरफोर्ड आते साथ बहुत धुलाई कर रहे हैं, पुश किया है, और ये डॉट बॉल 5 ओवर समाप्त, 53 for 2। लुंगी निगड़ी आया है बॉलिंग करने के लिए, निगड़ी। ये क्रिस गेल की ज़बरदस्त सिक्स लेग साइड पे, 59 for 2। लुंगी निगड़ी भाई, ये एक और 6 हो गया। मतलब बॉल कहाँ डालू यही नहीं समझ आ रहा है अब तो। ओ और रेयर मिस, 70 for 2। ओ धोनी फील्ड एडजस्ट करते हुए, ये वाला शॉट जो है ना ये निकाल देना चाहिए। पीछे की तरफ कैसे कट कर सकता है कोई पता नहीं। एक और शॉट खेला है, फाइन लेग मौजूद था, पर 4 आ जाएंगे। रविंद्र जडेजा है भाई बॉलिंग करने के लिए, जड्डू। और आते साथ एक भयानक सिक्स पड़ा है जड्डू को भाई। ये जिस हिसाब से जा रहे, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटेन। विकेट की ज़रूरत है यहाँ। और ये मिली मुझे विकेट नहीं भाई, ये तो एक और 6 हो गए, 100 रन पूरे हो गए। रदरफर और क्रिस गेल, और ये एक और बैकफुट पंच पीछू की तरफ, प्लेयर मौजूद है पर उसके सर के ऊपर चलेगी भाई ये बॉल भी। शरदुल ठाकुर को लाया भाई, 108 पर 2 विकेट ही हुई है, और ये 112 हो जाएंगे शायद, 114। चलो कोई नहीं, ये एक और 6 हो गया यार। वेयर शुड आई बोल, 50 रन रदरफोर्ड के हो गए। 9वीं ओवर है, और ये पीछे प्लेयर खड़ा करने के बावजूद भी गैप में आ गए 4 रन, 124 रन हो चुके हैं। 5वीं बॉल है 9th ओवर की, और ये एक और शॉट, पीछे प्लेयर मौजूद, और एक और 4 भाई। जड्डू बोल रहे हैं, कर रहे हैं लास्ट ओवर, और ये बाउंड्री। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही बॉल डालनी कहाँ है यहाँ पर। एक और 6, क्रिस गेल के भी 50 हो गए। ये मैच हम शायद हार जाएंगे, और काफ़ी बुरी तरीके से हारेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि
काफी ज्यादा रन पड़ रहे हैं और ये रन पड़ना रुक ही नहीं रहे। मैं जहाँ फील्डर लगाता हूँ उसके पीछे मार दिया जाता है। ए भाई बस कर दे। ये भी सिक्स हो गया 154, और ये लास्ट बॉल पे एक और सिक्स, 160 रन्स हो गए यार। मतलब हद कर दी भाई। क्रिस गेल और रदरफोर्ड ने धुलाई कर दी चेन्नई सुपर किंग्स वालों की, 77 रन क्रिस गेल के, और जड्डू की तो बहुत धुलाई हुई है यार। चलो ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डुप्लेसी आया है, लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँचते हैं। और ये नाइस स्टार्ट, फर्स्ट बॉल पे जो है चार आ गए भाई। ऐसे बहुत सारे चार और छः की ज़रूरत है। और ये फर्स्ट विकेट होगी और ये ड्रॉप कर दिया भाई। लकी चांस यहाँ पर, लकी चांस मिल गया ऋतुराज गायकवाड़ को। ड्यूप्लीसीज है, फेयरवेल इनिंग्स खेल रहे हैं चेन्नई के लिए। और ये स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चार रन भाई। चलो दैट इज़ नाइस, 11 रन हो गए फर्स्ट ओवर से। फैबियन एलन ओपन कर रहे हैं अलॉन्ग साइड, ऊपर से मार दिया है पॉइंट्स और कवर के, 4 रन आ गए यहाँ पर, 17 रन बिना किसी नुकसान के। और ये एक और कट, 30 रन हो गए भाई। चलो 2 ओवर 30 रन, वी आर स्टिल इन द गेम। ओह 34 नो लो शटल कटल, और ये पीछे की तरफ किया सिक्स है यार, मस्त शॉट, और ये मिस किया यार। 3 ओवर 52 रन हो गए हैं, ज़बरदस्त वेन ब्रावो आए हैं यहाँ पर, 3.2 ओवर 52। और ये प्लेयर मौजूद, ओ वन बाउंस हो गई, वन बाउंस, आई थॉट बाउंड्री थी। क्या शॉट है यार, आगे बढ़ के 6 मारा ऋतुराज गायकवाड़ ने, अलग ही लेवल का शॉट। 61 रन हो गए, ड्वेन ब्रावो परेशान। लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर, और ये ऊपर से मारा एंड इट्स अनदर बाउंड्री, बाउंड्री है। चलो 4 ओवर्स फॉर 65, सो वी आर इन द गेम बिग टाइम यार। फवाद अहमद आया बॉलिंग करने, बाहर की बॉल है एंड इट्स अ सिक्स, पिच नहीं है रोड है ये। 71 रन हो गए और ये विकेट हो गई, फैफ डुप्लेसी आउट हो गया यहाँ पर। दिस इज अ क्रूशल ब्रेक टू, और महेंद्र सिंह धोनी आया बैटिंग करने। मैंने धोनी को प्रमोट किया है क्योंकि मुझे चाहिए धोनी आज धमाकेदार खेले, और ये वैसे ही हुआ, फर्स्ट बॉल पे सिक्स मार दिया धोनी ने। और ये लेग साइड की बॉल एंड वन बाउंस पे चार आ जाएंगे यहाँ पर, सो 83 फॉर 1 है, और धोनी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लास्ट बॉल क्या स्वीप है भाई, मतलब पहले जगह बनाई फिर शॉट मारा। ड्वेन ब्रावो फील्ड लगाते हुए, ये जोशवा आए बॉलिंग करने 87 फॉर 1, और ये सिक्स दे दिया है धोनी ने, पिछू से दबा के शॉट मारा यार, बैक फुट पे सिक्स, गायकवाड़ था एक्चुअली। तो 50 रन पूरे हो गए ऋतुराज गायकवाड़ के, 93 फॉर 1, और ये एक और धमाकेदार सिक्स, मतलब वी आर बिग टाइम इन द गेम। आई फील धोनी ने मार ली भाई चार, अब वी आर बिग टाइम इन दिस गेम। और इस बार धोनी का छः, 110 रन हो गए, एक ही विकेट गई है। 6th 7th ओवर की शुरुआत एंड दिस इज अनदर सिक्स बाय फवाद अहमद की भी धुलाई। कैन वी विन दिस, हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस होगा भाई, लग तो रहा है कि कर लेंगे। ई व्हाट अ बॉल, डोमिनिक ड्रेक्स आए हैं यहाँ पर, और ये लेग साइड की बॉल, चार तो मिल ही जाएंगे यहाँ पर। धोनी के भी 50 रन पूरे होने वाले हैं अब लग रहा है, बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग्स यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी द्वारा, एंड इट्स अ 50 फॉर महेंद्र सिंह धोनी। कितनी बॉल में मारा वो देखने लायक होगा भाई, यहाँ पर 50 तो हो गए एंड इट इज़ जस्ट इन 14 बॉल्स, मतलब उन्होंने 17 बॉल में मारे थे, हमने 16 में मारे और धोनी ने 14 बॉल में मार दिया। 1 फॉर 134, और ये फुल टॉस एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर बाउंड्री, 138। तो ये मैच तो अब शायद मुझे लग रहा है हम इतिहास आज बना ही देंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नज़र लग गई कुकी, विकेट हो गई यहाँ पर, धोनी हो गया है आउट, बट एक सॉलिड इनिंग, 16 बॉल में 56 रन। मोइन अली आया भाई बैटिंग करने के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी है, और ये पुल कर दिया पीछे, चार आ जाएंगे यहाँ पर। सो 8 ओवर 144 फॉर 2, ड्वेन ब्रावो आए हैं, 16 रन हमें चाहिए 12 बॉलों में,
एंड मोइन अली स्मैशेज इट फॉर अ सिक्स। भाई timed. सोच नहीं सकता, वी गुड हैव चेस्ड 160 का टारगेट। एंड जो लोग कह रहे हैं कि मीडियम ऐसा नहीं है, मीडियम डिफिकल्टी नहीं है, या हार्ड पे मैं खेल रहा हूँ, हार्डेस्ट पे तो विकेट ही चले जाती है, जैसे अब चले गई है। ऋतुराज गायकवाड़ का आउट हो गया है, पर बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स यहाँ गायकवाड़ की थी। जड्डू आया भाई, लास्ट बॉल ऑफ द नाइन्थ, और ये स्कूप शॉट, एंड दिस इज़ द विक्ट्री फॉर चेन्नई थला सुपर किंग्स। सो पहला मैच हारने के बाद बैक इन टू द कॉम्पिटिशन, विन बाय 7 विकेट्स। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।